हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, किचन से संबंधित वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या राज्यसभा के एक इंट्रोडक्शन के बारे में, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा में मेंबर्स बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद टेन्योर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का टेन्योर कितना है? कोई टेन्योर नहीं है। उसके मेंबर्स का कितना है? 6 ईयर्स है, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर्स ऑफ राज्यसभा, जिसमें मैंने आपको दो पावर्स बता दी थी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, उसके पोस्ट से हटाना हो, कब? 5 वर्ष से पहले, 5 ईयर्स से पहले, तो क्या करेंगे हम? रेजोल्यूशन कहाँ आएगा? राज्यसभा में आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकेंड पॉइंट बताया था आपको ऑल इंडिया सर्विसेज वाला, यही था कि अगर कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो या किसी एग्जिस्टिंग ऑल इंडिया सर्विस का एंड करना हो तो स्पेशल मेजोरिटीज उससे पास होना चाहिए। कहाँ से? और इसका रीज़न क्या था? क्यों? क्योंकि जो ये IAS हो चाहे IPS हो, इन्हें अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पर इन्हें काम कहाँ करना होता है? जाके स्टेट गवर्नमेंट में। तो इसलिए क्या है कि राज्यसभा से पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट होगा तीसरे नंबर का, मनी बिल से रिलेटेड है। मनी बिल जिसको हम कहते हैं धन विधेयक, ये जो धन विधेयक है ये आर्टिकल किसमें है? 110 में है। देखो मनी बिल क्या है कि कोई भी बिल, पहले सबसे पहले बिल समझ लो क्या होता है। ये जो बिल है इसको कहते हैं विधेयक, और एक होता है एक्ट, एक्ट मतलब अधिनियम। तो ये जो बिल है, बिल का मतलब होता है प्रपोज्ड लॉ, जो अभी कानून नहीं बना है उसको हम क्या कहते हैं? बिल। और एक्ट क्या होता है? जो कानून बन जाता है, मतलब जब राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ और प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया तो क्या बन जाएगा? बिल बन जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कोई भी ऐसा बिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बोरोइंग से, टैक्स से, सिक्योरिटी से, कंटीजेंसी या कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड हो, ठीक है, और जिसे लोकसभा स्पीकर ने कह दिया हो कि ये मनी बिल है। तो मनी बिल को फाइनल में मनी बिल कौन डिक्लेयर करता है? लोकसभा स्पीकर। तो वो क्या होगा? मनी बिल होगा। समझ रहे हो आप लोग? तो ये जो मनी बिल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसे सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद, लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा में आएगा, ठीक है। राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को, मतलब ये मानकर चलो कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। मनी बिल के केस में सिर्फ राज्यसभा जो है मनी बिल को 14 डेज तक रोक सकती है। कितने डेज तक? 14 डेज तक रोक सकती है। अगर 14 डेज तक राज्यसभा ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया तो ये क्या हो जाएगा? पास मान लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं मनी बिल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इसे डिफाइन नहीं करूँगा मैं, ठीक है। जब लोकसभा आएगा वहाँ पर मैं इसे डिफाइन करूँगा, क्योंकि आपको बिल भी कराने, कितने टाइप के बिल होते हैं, ठीक है। तो लिख लो आप लोग। नेक्स्ट पावर, इन केस ऑफ मनी बिल राज्यसभा हैज नो पावर only it can retain for RETAIN, retain for 14 days। धन विधेयक की स्थिति में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है, राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है, राज्यसभा केवल इसे 14 दिनों तक रोक सकती है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाए कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है या राज्यसभा के पास, तो क्या कहोगे? लोकसभा के पास, ठीक है। पावर्स में ही नेक्स्ट लिखोगे, राज्यसभा के पावर्स में ही नेक्स्ट लिखो। राज्यसभा
राज्यसभा हैज इक्वल और लेस पावर देन लोकसभा इन केस ऑफ ऑल बिल्स। हिंदी में लिखोगे सभी विधेयकों की स्थिति में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर या उससे कम शक्ति प्राप्त है। लोकसभा ठीक है, तो लोक मतलब क्या होता है? लोग। तो इसको हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल ठीक है। और ब्रिटेन में लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन ठीक है। इंडिया में क्या कहते हैं इसे? हाउस ऑफ पीपल या लोगों का सदन। तो ब्रिटेन में क्या है? हाउस ऑफ कॉमन है। और इंडिया में क्या कह रहे हैं इसे? हाउस ऑफ पीपल कह रहे हैं। तो ये परमानेंट हाउस है या नॉन परमानेंट? नॉन परमानेंट हाउस है। पक्का? कैसे पता चलता है? 5 ईयर्स में डिसॉल्व हो जाती है। इस टाइम कौन सी लोकसभा चल रही है? 70वीं 17 ना। तो ये लोकसभा एस्टेब्लिश कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा जो स्थापित हुई थी। और राज्यसभा कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को। तो आपको ये पता है कि ये क्या है? टेम्परेरी हाउस है जो हर 5 साल में नई बन जाती है। तो अभी करंट में कौन सी लोकसभा चल रही है? ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए आपको। क्या जाननी है? बहुमत किसके पास है इसमें? बीजेपी के पास। तो इसमें क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन एमपी है। कि अभी तक 1952 से लेके अभी तक जितनी भी लोकसभा बनी है उन सब में सबसे ज्यादा विमेन एमपी किसमें है? 17 लोकसभा में। कितनी है? 78 विमेन एमपी है ठीक है। और उसके बाद जो यंगेस्ट विमेन एमपी है उसका नाम क्या है? चंद्रानी मुर्मू ठीक है। क्या नाम है इसका? चंद्रानी मुर्मू। और ये कहां से एमपी है? केंद्र उड़ीसा। तो यहां से ये क्या है? एमपी है। तो 25 ईयर्स एज है इसकी। और ये कहां से एमपी है? केंद्र उड़ीसा से ठीक है। और इस 17th लोकसभा के स्पीकर कौन है? स्पीकर या इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला क्योंझर। ओम बिरला जो है कहां से एमपी हैं? कौन बताएगा आप में से? कोटा राजस्थान। कोटा किस लिए फेमस है? मेडिकल या आईआईटी की ट्रेनिंग के लिए ठीक है। तो ये कुछ बातें थी 17th लोकसभा के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा विमेन एमपी कौन सी लोकसभा में है, यंगेस्ट विमेन एमपी कौन है ठीक है, स्पीकर करंट में कौन है ठीक है, और डिप्टी स्पीकर कौन है? अभी डिक्लेयर नहीं है, अभी डिक्लेयर
नहीं हुए हैं। तो आर्टिकल 80 में क्या था, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा था, ठीक है। और आर्टिकल 81 में कंपोजिशन ऑफ लोकसभा है, राज्य लोकसभा की संरचना, टोटल मेंबर कितने होते हैं लोकसभा में, 552। 530 कहां से जाते हैं इसमें, नहीं स्टेट बस। उसके बाद 20 कहां से जाते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। देखो ये 2 मैंने इसलिए बताया है, आपने क्या ये सुना है 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मैं पूरा लिख देता हूं आप लोग गलत समझ जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता कैब समझते हैं आप लोग, 126वां संविधान संशोधन विधेयक। तो ये स्टार मार्क किसी के लिए है, ठीक है, सुन लेना फिर क्वेश्चन करना। इसमें प्रोविजन ये किया गया है कि जो एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है, किसका, एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है उसे अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन है उसे हटा दिया गया है। पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो रिजर्वेशन है इसे एकदम से नहीं हटाया जाएगा, ठीक है, इसे धीरे धीरे करके हटा दिया जाएगा। बट इस बिल में क्या कहा गया है कि जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन है उसे हटा दिया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्टार मार्क लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक बार बार और बच्चे नहीं कर पाते कि कितने एससी और एसटी जो है, कितनी सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में एससी और एसटी के लिए। आगे समझो इसको ध्यान से, ये बात समझ आ गई। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा में एससी और एसटी कि कितनी सीटें रिजर्व हैं, 2 कहां है, तो लिख लो 131 सीट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससी और एसटी के लिए लोकसभा में 131 सीट्स रिजर्व हैं। हाँ, एससी एसटी के लिए 131 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं, उनका नहीं है। अब आगे एक बात और समझनी है आपको, 131। अब आपको ये समझना है कि सबसे ज्यादा मेंबर जो हैं लोकसभा में कहां से जाते हैं। आप में से किसको ये नहीं पता कि लोकसभा में जो मेंबर जा रहे हैं स्टेट से वो किस बेसिस पे जा रहे हैं, पॉपुलेशन के बिहाफ पर जा रहे हैं, किसके बिहाफ पर, कि स्टेट में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बिहाफ पर कहां जा रहे हैं, लोकसभा में मेंबर जा रहे हैं। तो जिस स्टेट का पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा होगा उसी स्टेट के क्या होंगे, सबसे ज्यादा मेंबर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है, यूपी की, तो यूपी से कितने मेंबर जाते हैं, 80 जाते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पर किसकी है पॉपुलेशन, महाराष्ट्र की, कितने जाते हैं, 48, ठीक है, ये लिख लो आप लोग, 80 मेंबर यूपी से और महाराष्ट्र से कितने, 48। अच्छा ये बताओ, ये जो पॉपुलेशन स्टेट में जो प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स है, ठीक है, वो कौन सी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग होगा, 71 के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है,
71 के अकॉर्डिंग है। अब सोच लो कि लगभग 50 साल हो गए या नहीं हो गए। अब 50 साल बाद ये कहा गया है, बेसिकली 2026 जो है, इस ईयर के बाद ना कोई भी नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस जब कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद ही जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, उसको बदला जा सकता है। ठीक है, टोटल 2026 तक जो लोकसभा के टोटल मेंबर हैं या राज्यसभा के टोटल मेंबर हैं वो क्या रहेंगे, अनचेंज्ड रहेंगे। हाँ, अभी तो पॉपुलेशन 1971 ही चल रहा है। ठीक है, अब सोच लो कि 50 साल बाद पॉपुलेशन डबल हो गई होगी, तो अगर न्यू मेंबर्स लिए जाएंगे, अगर डिलिमिटेशन किया जाएगा दोबारा से, तो लगभग दुगने हो जाएंगे मेंबर, बढ़ेंगे। ठीक है, तो और किया भी जाना चाहिए, तो एक नोट लिख लो यहाँ पर, टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विल बी अनचेंज्ड टिल 2026। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या, दो हजार छब्बीस तक अपरिवर्तित रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा सदस्य बनने की अर्हताएं, क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा सदस्य बनने की अर्हताएं। तो पहला पॉइंट तो सबको पता है क्या होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट क्या होगा, 25 ईयर्स ऑफ एज, मिनिमम एज, मतलब मिनिमम एज कितना होगा, 25 ईयर्स। और थर्ड पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, अब राज्यसभा में क्या पढ़ा था, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पर ना हो। पहला पॉइंट क्या था, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट, मिनिमम एज 25 ईयर्स। थर्ड पॉइंट, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पर ना हो। और फोर्थ पॉइंट, शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड, पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया कौन होता है, ये पूछना चाह रहे हो क्या, जो बर्बाद हो गया हो। और जो बर्बाद हो जाता है, जो सड़क पर आ जाता है, उसका वो मतलब डिप्रेशन में आ जाता है, तो जनता की भलाई क्या करेगा। अगला हेडिंग लिखो, इलेक्शन ऑफ लोकसभा, इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का चुनाव, हम सभी लोग भाग लेते हैं ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव। अब देखो क्या होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करे, जो भी 18 साल के हो गए हैं जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुने, अपने जो प्रतिनिधि है उसको खुद चुने, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन किस भी आप पर होता है, यूनिवर्सल, अडल्ट, फ्रेंचाइजी या वोटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो, सार्वभौमिक, वयस्क, मताधिकार। ठीक है, आपका ये होमवर्क है कि दुनिया में पहला देश कौन सा था जिसने इसकी परमिशन दी, जिसे ये अप्लाई करवाया, वोटिंग सिस्टम को अप्लाई करवाने वाला, इंप्लीमेंट करवाने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट, पहला देश कौन सा था। ठीक है, नहीं, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। अब दूसरी बात कि यहां पर कौन सा सिस्टम यूज होता है,
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं सर्वाधिक मत प्राप्त विजयी, पास्ट है वो, फर्स्ट पास्ट, इसको बोलते हैं प्रथम खंभा छू लेने वाला भी, ठीक है, पहले जो खंभा छू ले। आपने मेंढक वाली कहानी तो सुनी होगी ना, वो खंभे पे चढ़ते हैं तो जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा जीत जाएगा, पर मैं नहीं सुनाने वाला, आगे सुनो। इसमें क्या होता है कि मान लो तीन कैंडिडेट हैं, हम लोग जब भी वोट करने जाते हैं किसको वोट देकर आते हैं, कैंडिडेट को देकर आते हैं। तो इसमें मान लो इसको 5 मिली, इसको 4 मिली और इसको 3 मिली, तो ज्यादा किसे मिली, कि पिछले वाले से अगर एक ज्यादा भी मिल जाए ना किसी को भी, तो वो क्या हो जाता है, इलेक्शन जीत जाता है। तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। इसमें हम लोग कैंडिडेट को वोट देते हैं और जो इनडायरेक्ट जिसमें इलेक्शन होता है उसमें किसको वोट दिया जाता है, पार्टी को वोट दिया जाता है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, राज्यसभा में पढ़ा था आपने, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। इलेक्शन हो गया, नेक्स्ट होगा टेन्योर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का कार्यकाल कितना, 5 साल के लिए लोकसभा बनती है, 6 साल के लिए बनती है, 5 साल के लिए। तो यहाँ पे मेंबर्स का टेन्योर होगा या लोकसभा का होगा, लोकसभा का, लिखो 5 ईयर्स। आपको शायद ये नहीं पता कि कई बार 2-2 साल में सरकार गिरी है, 13 दिन में गिरी है, जैसे वाजपेयी जी की 13 दिन की रही, फिर 98 में आए वो, 98 से फिर 2004 तक चला था, काफ़ी लंबा, तो चलता रहता है, डिसॉल्व पहले हो जाती है तो उसको काउंट नहीं किया जाता। अब आगे समझो क्या बता रहा हूँ मैं, टेन्योर, तो टेन्योर तो जनरली कितना होता है, 5 ईयर्स ही होता है। क्या कुछ ऐसी केसेस हैं जिसमें 5 ईयर्स से पहले भी ख़त्म किया जा सकता है इसे, पक्का, इन फॉलोइंग केसेस, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल से पहले भी क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। लिखो, निम्नलिखित परिस्थितियों में लोकसभा 5 वर्ष से पूर्व भी, लोकसभा 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित हो सकती है, ठीक है। आप में से मुझे कौन बताएगा, हु इज लाइफलाइन ऑफ लोकसभा या गवर्नमेंट की लाइफलाइन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। अब क्योंकि लाइफलाइन है तो अगर लाइफलाइन ही खत्म हो जाए तो क्या होगा, मर जाएगी ना। लाइफलाइन का मतलब है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है रिजाइन कर दे, क्या कर दे, या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, ठीक है, या रूलिंग पार्टी जो है मेजोरिटी खो दे, तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें 5 साल से पहले भी क्या हो जाए, लोकसभा खत्म हो सकती है। तो मैंने क्या बताया, इफ रूलिंग पार्टी लोज द मेजोरिटी, यदि सत्ताधारी दल बहुमत खो दे तो क्या होगा, लोकसभा भंग हो जाएगी, पहला केस। दूसरा, इफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, उसके बाद इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, यदि
अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। ठीक है, तो इनमें से ये के दोनों केस समझ आ गए आपको? ठीक है, अब ये वाला जो केस है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पहली बात कि इंट्रोड्यूस बाय ओपोजिशन इन लोकसभा, विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है, समझना इसको ध्यान से कि अगर ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हो रहा है, पहले ये बताओ, ओपोजिशन, कि ओपोजिशन को लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है, उसे लग रहा है, उसे लग रहा है कि कुछ एमपी जो है ना उसका साथ नहीं देने वाले। ठीक है, तो वो क्या लेकर आएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगी कि उसे सरकार में विश्वास नहीं है अब कि उसकी मेजोरिटी है लोकसभा में। ठीक है, अब ये लेकर आए, अब ये जब लोकसभा में लाएंगे और सपोज करो कि ये लोकसभा में पास हो जाए, तो पास होने का मतलब क्या होगा कि मेजोरिटी है नहीं, प्रूफ हो गया पूरा, तो इसके बाद भी लोकसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा और उसके बाद लोकसभा क्या हो जाएगी, भंग। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं जिसमें लोकसभा जो है 5 वर्ष से पहले भी भंग हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेकर आता है, किस में लाया जाएगा इसे। ठीक है, और इसके लिए ना कारण बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, रीजन बताना जरूरी नहीं कि व्हाई इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, किसे लोकसभा में क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। लास्ट ईयर आया था क्या ये, इन्हीं महीनों में लास्ट ईयर आया था, ये कौन लेकर आया था, राहुल गांधी। ठीक है, लास्ट ईयर जो था इन्हीं मंथ में राहुल गांधी के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, बट ये पास नहीं हुआ था। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मुझे बताओ कि ये तो हमने देखा कि बिफोर 5 ईयर्स, क्या लोकसभा के टेन्योर को आगे भी बढ़ाया जा सकता है? तो लिखो, इन फॉलोइंग केसेस लोकसभा टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड, निम्नलिखित परिस्थितियों में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो आप बताओ कि कौन कौन सी केसेस हैं जिसमें बढ़ाया जा सकता है, कौन सी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, किसमें, नेशनल इमरजेंसी में, किसमें, क्योंकि फाइनेंशियल लगेगा तो फाइनेंशियली तो एक अलग चीज है, उसमें कोई देश की जो सिचुएशन है उसमें दंगे वगैरह नहीं हो रहे हैं, पर नेशनल इमरजेंसी में ऐसा हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव हो पाएंगे क्या वैसे सिचुएशन में, तो लोकसभा को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो लिखो, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी लोकसभा टेन्योर कैन बी इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। निम्नलिखित परिस्थितियों में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था जिसको आप लोग कहते हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये क्या है, ये 1976 में। ठीक है,
तो इसमें क्या था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा दोनों का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विधानसभा और ये लोकसभा आप जानते हो। तो टेन्योर इंक्रीज्ड बाय वन ईयर, मतलब 5 से क्या कर दिया था, 5 से 6 साल कर दिया था, ठीक है, 42nd के थ्रू। और उसके बाद हमने 44th अमेंडमेंट किया 1978 में, तो इन दोनों का ही रिड्यूस करके वन ईयर रिड्यूस कर दिया और अगेन 6 से कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना दोनों को। फर्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस अगेंस्ट विच प्राइम मिनिस्टर पीरियड, किस प्रधानमंत्री के काल में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। तो आपको मैंने टेन्योर बता दिया, 5 साल से कम किस केस में और कब बढ़ाया जा सकता है वो भी बता दिया। अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि लोकसभा के टेन्योर को कौन बढ़ा सकता है, तो आंसर क्या आएगा, प्रेसिडेंट बढ़ाएगा। हाँ, नॉर्मल सिचुएशन में पूछ रहा हूं। तो ये देखा था ना आपने, किसने किया था ये अमेंडमेंट, किसने किए होंगे, सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हो आप, और किसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की, पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 368 में कौन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, भूल गए दोबारा से, अमेंडमेंट सबने कर रखे हैं और जब पर भूल गए हो सबके सब, लग रहा है याद करने के लिए देना पड़ेगा दोबारा से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन करता है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, टेन्योर बढ़ा सकती है, क्या घटा सकती है, दोनों कर सकती है। कंफ्यूज मत रहो कि पार्लियामेंट जो है लोकसभा के टेन्योर को बढ़ा सकती है, लोकसभा के टेन्योर को घटा सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि लोकसभा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो अगर कुछ भी चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। वो सिर्फ क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है, वर्णन करता है वो कि ये होना चाहिए, वो ये नहीं कहता कि ये बदल दो, वो ये कहता होना चाहिए और बदलेगा कौन, पार्लियामेंट बदलेगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। तो मैंने अभी तक आपको लोकसभा का क्या बताया, टेन्योर बताया, उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पावर्स ऑफ लोकसभा, पावर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा की शक्ति। तो लोकसभा की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, पहली लाइन लिखो आप लोग, लोकसभा हैज इक्वल और मोर पावर, लोकसभा हैज इक्वल और मोर पावर देन राज्यसभा, लोकसभा के पास राज्यसभा के बराबर या उससे अधिक शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो अब कैसे है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको मनी बिल डिफाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो पहला केस बात कर लेते हैं मनी बिल की ही। तो मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 110 में, ठीक है। और मनी बिल है क्या, लिखो आप लोग, लिखो, एनी बिल रिलेटेड टू
एनी बिल रिलेटेड टू टैक्स, बोरोइंग्स, सिक्योरिटीज, टैक्स, बोरोइंग, सिक्योरिटीज, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ गवर्नमेंट एंड declared as money bill by Lok Sabha Speaker. हिंदी में लिखोगे कोई विधेयक जो सरकार के कर उधारियां प्रतिभूतियां संचित निधि या आकस्मिकता निधि से संबंधित हो और जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने धन विधेयक घोषित कर दिया हो, तो वो क्या होगा? मनी बिल होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि मनी बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोकसभा में। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप इसमें, मनी बिल फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट ओनली इट कैन रिटेन फॉर 14 डेज एंड राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट ओनली इट कैन रिटेन फॉर 14 डेज टू मनी बिल। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। तो ये क्योंकि मैंने आपको राज्यसभा में बता दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट लिखवा दिया। ठीक है, तो मनी बिल का केस समझ आ गया। उसके बाद एक होता है फाइनेंस बिल। क्या होता है? हर बजट में लाया जाता है फाइनेंस बिल। किसकी बात कर रहा हूं मैं? और फाइनेंस बिल टाइप 1 की। ठीक है, ये आर्टिकल 117 के 1 में है, इसको बोलते हैं वित्त विधेयक श्रेणी 1। तो इसकी जो कहानी है, ये जो बिल है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। उसके बाद सुन लो, अगली जो क्लास होगी उसमें बिल की बात करूंगा, सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करूंगा, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करूंगा। ठीक है, उन सबको बताऊंगा और वहां से टर्मिनोलॉजी आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, जैसे आ गया लेम डेक सेशन क्या है, आपसे आ गया कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, इन सब की मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, हाँ, दो पार्ट हैं इसके। तो अगली क्लास में आप लोगों से मैं इससे आगे का डिस्कस करूंगा, इतना प्रिपेयर करके आना।